तो चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। एंड लेट मी टेल यू, पिछले 7 दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा एंड इट हैज बीन अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड लाइक आई सेड, एक्सपीरियंस जो है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है इस फ़ोन के साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फ़ोन के अंदर जो मुझे सही में बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम है प्रीतम, आप देख रहे हैं टेक्नो कैप्टन 747 एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो बॉक्स है वो आता है एक मैट ब्लैक फिनिश में, जिसमें नोट 20 अल्ट्रा 5G की ब्रांडिंग है। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा द नोट 20 इटसेल्फ, और जो एक छोटा सा बॉक्स है उसमें आपको मिलेगा एक सिम इजेक्टर टूल और अंदर है कुछ पेपर वर्क्स। और अनफॉर्चुनेटली सैमसंग ने इस बार कोई भी क्लियर केसेस इस डिवाइस के साथ इंक्लूड नहीं किया है। बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे एक 25 वॉट फास्ट चार्जिंग अडैप्टर, एक USB-C टू USB-C केबल और एक टाइप सी AKG ईयरफोन। और जो दोस्तों इसका एस पेन है वो आपको मिलेगा इन द डिवाइस इटसेल्फ अटैच्ड। तो एस पेन है उसके डिवाइस के अंदर ही आपको अटैच मिलेगा। और जैसे कि प्रीवियस मॉडल्स की तरह सैमसंग ने इस बार कोई भी रिप्लेसेबल टिप्स एस पेन के लिए इंक्लूड नहीं किया है। राइट ऑफ द बैट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा फ़ोन है। जी हाँ, 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन आती है, ज़बरदस्त स्क्रीन आती है। बट इट्स अ बिग फ़ोन, स्टडी फ़ोन एंड इट्स अ हैवी फ़ोन। पहले दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूँगा, और 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद मैं ये डेफिनेटली विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि नोट 20 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है दोस्तों, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट WQHD+, हाँ जी, 2K+ रेजोल्यूशन आती है इसमें एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है नोट में आते हैं बड़े डिस्प्ले, हाँ जी, 6.9 इंच के। और अगर आपको फास्ट रिफ्रेश रेट चाहिए दोस्तों तो 120Hz रिफ्रेश रेट आती है इसमें, जो कि सिर्फ FHD+ पे अवेलेबल है। और दोस्तों नोट में आते हैं एक फीचर जो कि है वेरिएबल रिफ्रेश रेट, VRR नाम का एक फीचर आता है। जो आप काम कर रहे हो आपके फ़ोन के ऊपर उसी हिसाब से फ़ोन रिफ्रेश रेट अपने आप चेंज करता है। वैसे दोस्तों IP68 सर्टिफिकेशन के वजह से आई हैव पीस ऑफ माइंड, मैं बारिश में भी इसे आराम से यूज़ कर सकता हूँ विदाउट एनी केस। और गाइज, अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो फिर सैमसंग ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस फ़ोन को बिल्ड किया है। तो इसके आगे की डिस्प्ले है एकदम मिनिमम बेजल्स के साथ आता है, और एक जस्ट एक ऊपर एक सिर्फ एक होल पंच कैमरा है। और जो पीछे की तरफ हम अगर हम लोग देखें तो ये एक फ्रॉस्टेड ग्लास है जो कि आपको आपका फिंगरप्रिंट से आपको पूरा फ्री करके रखेगा, फिंगरप्रिंट्स इसमें नहीं चिपकेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है अगर आप केस यूज़ नहीं करते हैं तो। और जो साइड का फ्रेम है वो एक स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, और ये आपको कलर जो आप फ़ोन का कलर लेंगे उसके साथ मैच हो के आता है। सपोज़ आप ब्लैक कलर का अगर फ़ोन लेंगे तो ये फ्रेम भी आपको ग्लॉस ब्लैक में ही मिलेगा। जो इस फ़ोन के बारे में थोड़ा मुझे ऑफ करती है वो है इसका कैमरा बम्प, और ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा कर दिया सैमसंग ने। और अगर आप बिना केस के अगर इसको आप कुछ किसी टेबल या फिर इसमें फ्लैट सरफेस में रखेंगे तो आपको एक रॉकिंग सा आवाज़ मिलेगा, ऐसे हमेशा एक रॉक करता हुआ आवाज़ मिलेगा। सो दैट्स अ बिट अनोइंग फ्रॉम माई साइड। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नोट 20 अल्ट्रा के कैमरा के बारे में। तो इसमें आते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि है एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, एक वाइड और एक टेलीफोटो लेंस। और जो इसका प्राइमरी सेंसर है दोस्तों, जूम इज़ इम्प्रेसिव, स्पेशली नॉर्मल लाइट में अगर आप फोटो निकालोगे देन दे आर क्वाइट यूजेबल। और जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो है एक 10 मेगापिक्सल का सेंसर। और जो स्किन टोन आती है, आई हैव नेवर फाउंड कि ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है या फिर अंडर एक्सपोज हो गया है, एंड आई हैव टू से स्किन टोन्स आर टू द पॉइंट। तो अभी दोस्तों बात करते हैं नोट सीरीज के हाईलाइट के बारे में। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एस पेन की। जो ये एस पेन है दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल फीचर माना जाता है इस नोट सीरीज़ में, जैसे कि ऑफ स्क्रीन मेमो वगैरह लिखना हो या फिर अगर आपको कुछ अपने हैंड राइटिंग में कुछ नोट्स वगैरह लिखना है तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है एस पेन का।
और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो लेटेंसी है दैट इज़ ओनली 9 मिलीसेकंड। जी हाँ, जो आप नॉर्मल पेंसिल वगैरह से लिखेंगे वैसे ही सेम एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस नोट 20 अल्ट्रा में। फाइनली दोस्तों परफॉर्मेंस, तो ये जो नोट 20 अल्ट्रा है इसमें आपको मिलेगा एक्सिनोस 990 का चिपसेट, और अगर गेमिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा फ्रेम आपको मिलेगा। माइनर लैग कभी कभी देखने को मिल जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसके परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी है। मल्टीटास्किंग या फिर फोटो वीडियो एडिटिंग में आपको कोई भी लैग या फिर हैंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक्सिनोस की जगह अगर स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर होता इट वुड हैव बीन बेटर डेफिनेटली। तो दोस्तों बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की। 4500 mAh का जो ये बैटरी है इज डिसेंट, एक दिन आपको आराम से जाएगी और हैवी टू मॉडरेट यूसेज। और अगर आपका डिमांड ज़्यादा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए इन द बॉक्स आपको मिलेगा 25 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर। वैसे दोस्तों नोट के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, नाउ आई नो क्यों नोट के इतने सारे फॉलोअर्स हैं। एक बार अगर आप यूज़ टू हो गए एस पेन के साथ देन यू विल नॉट वॉन्ट टू गेट एनी अदर फ़ोन। जी हाँ, तो एस पेन बहुत ही बड़ा हाईलाइट है इस नोट सीरीज़ का और स्पेशली इस नोट 20 अल्ट्रा का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ लाता रहूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।